you're watching Expose India. कांग्रेस से गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी ने 37 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें कई ऐसी सीटें थीं जो सुर्खियों में रहीं, जिसमें मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की बहू अपर्णा यादव की भी सीट शामिल थी। समाजवादी पार्टी ने यूपी के लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से अपर्णा यादव को टिकट दिया है। अब टिकट मिलने के बाद ये बात साफ हो गई है कि यादव परिवार की एक और बहू चुनावी मैदान में आ गई है। प्रदेश पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने समाजवादी प्रत्याशियों की चौथी सूची भी जारी कर दी है। रविदास मेहरोत्रा को लखनऊ मध्य से, गोरखपुर ग्रामीण से विजय यादव, आजमगढ़ से दुर्गा प्रसाद यादव को टिकट मिला है। वहीं दीदारगंज से आदिल शेख, गाजीपुर से राजेश कुशवाहा और मुगलसराय से बाबूलाल यादव को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी के निम्नलिखित प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। संख्या 4, जनपद लखनऊ, जनपद लखनऊ विधानसभा सीट की संख्या 171, लखनऊ पश्चिम से श्री मोहम्मद रेहान, विधानसभा क्षेत्र संख्या 172, लखनऊ उत्तरी, श्री अभिषेक मिश्रा। फिलहाल टिकट बांटने का यह सिलसिला जारी है और चौथी सूची यहां पर जारी हो चुकी है, यानी कि सेना लगभग तैयार है। अब देखना यह होगा चुनावी मैदान में क्या समाजवादी पार्टी को फिर से जीत हासिल हो पाती है या नहीं। कांग्रेस से गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने के आखिरी दौर से गुजर रही है। इसी कड़ी में आज 37 नए नामों की घोषणा की गई, जिनमें कई सुरमाओं के नाम सामने तो आ गए लेकिन कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा अभी भी दांव पर लगी हुई है, जिसमें शादा फातिमा, नारद राय, शारदा प्रसाद शुक्ला, ऐसे तमाम दिग्गजों के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अब देखना यह है कि इनका क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट देशराज के साथ मैं आलोक द्विवेदी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबेरॉय एंड यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया।